हेलो फ्रेंड्स, दुनिया के 25 लुप्त होने वाले प्रजातियों में शामिल गोल्डन लंगूर के संरक्षण के लिए असम राज्य के काकोईजना संरक्षित वन क्षेत्र को असम सरकार अभयारण्य घोषित करना चाहती है, लेकिन सरकार की इस पहल का यहां के स्थानीय लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। आखिर गोल्डन लंगूर को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि गोल्डन लंगूर लुप्त होने के कगार पर है। इस लंगूर को औपचारिक तौर पर 1953 में एडवर्ड प्रिचर्ड गी नाम के व्यक्ति ने खोजा था। इस कारण इसका वैज्ञानिक नाम ट्रेचिपिथेकस गी रखा गया है। गोल्डन लंगूर मुख्यतः पश्चिमी असम और भारत भूटान की सीमा से लगे इलाकों में पाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से चार भौगोलिक स्थलों पर रहते हैं, जिसमें भूटान, मानस नदी, शंकोस नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के तलहट शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भूटान में गोल्डन लंगूर की आबादी करीब 4000 है। वहीं पूरी दुनिया में गोल्डन लंगूर की आबादी 7000 के करीब है। वहीं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इन्हें अनुसूची 1 में रखा गया है। इसी के साथ वन्यजीवों तथा वनस्पतियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी सिटीज में इन्हें परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया है। और अंतिम में आपको बता दें कि गोल्डन लंगूर को IUCN की रेड लिस्ट में संकटापन यानी इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।